हेलो गाइस, दिस इज विकास शर्मा एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टेक पॉड। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी चीज के बारे में कि आप किस तरीके से ब्लर इफेक्ट अपनी वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। और भाई, अगर आपने कोई काली करतूत करी हुई है किसी वीडियो में तो आप अपना चेहरा किस तरीके से छुपाएंगे। तो चलो देखते हैं कि आपको करना क्या है। सीधे चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और देखते हैं कि आप किस तरीके से ब्लर इफेक्ट अपनी वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो गाइस, अब आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और चलते हैं एडोब प्रीमियर प्रो में सीधा। जब आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इंपोर्ट मीडिया टू स्टार्ट। तो यहाँ पर डबल क्लिक आपको करना है और जितने भी आपकी कंप्यूटर की लोकल फाइल्स हैं वो आपको यहाँ पर शो होने लगेंगी। तो आपको उस वीडियो को इम्पोर्ट करना है जिस वीडियो में आपको ब्लर इफेक्ट डालना है। तो मुझे इस वीडियो में डालना है, तो सिंपली मैं इसको सिलेक्ट करके ओपन यहाँ पर कर लेता हूँ। तो ये वीडियो यहाँ पर मेरे को दिखने लगेगी। अब आपको इस वीडियो को यहाँ पर ड्रैग करना है इस वाले पोर्शन में। यहाँ पर सिंपल इस पर लेफ्ट क्लिक कीजिए और यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए। अब यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप इसलिए करना है क्योंकि ये वीडियो भी, इस वीडियो में से भी हमें कुछ पार्ट चाहिए, ये वीडियो भी हमें पूरी नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ से हमें ये वीडियो चाहिए। तो अब मैं यहाँ से देख लेता हूँ। तो यहाँ से मुझे ये वीडियो चाहिए। तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है। तो जो इनिशियल पॉइंट है वहाँ पर आपको आई दबा देना है। तो ये वीडियो स्प्लिट हो जाएगी, लेकिन ये वीडियो मुझे एंड में भी पूरी नहीं चाहिए। तो एंड में भी मुझे यहाँ पर इसको काटना है। तो देख लेते हैं मुझे यहाँ पर कहाँ तक ये वीडियो चाहिए। ठीक है, मेरे को यहाँ तक ये वीडियो चाहिए। तो मैं यहाँ पर लाके इसको रोक के ओ दबा देता हूँ। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इस वीडियो का, ये स्प्लिट हो चुका है। अब यहाँ पर सिंपली आपको इसे दोबारा से ड्रैग करके यहाँ पर टाइमलाइन में ड्रॉप कर देना है। तो अब ये पर्टिकुलर वीडियो मेरे सामने आ चुकी है और इस वीडियो के अंदर मैं देखता हूँ कि मुझे ब्लर इफेक्ट कहाँ पर डालना है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, मेरे को पता है कि मुझे यहाँ पर कहाँ डालना है। तो मुझे यहाँ वो ब्लर इफेक्ट डालना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लाके ये जो रेजर टूल है आपका, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके और जहाँ पर आपने ये रोका है सिंपली यहाँ पर आप इस पर कट लगा देंगे और देखते हैं कहाँ तक ब्लर इफेक्ट मेरे को इसमें चाहिए। यहाँ तक मुझे इसमें ये ब्लर इफेक्ट चाहिए। तो यहाँ पर भी एक कट लगा दूंगा। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इस वीडियो का जिसमें मुझे ब्लर इफेक्ट चाहिए वो बिल्कुल अलग हो चुका है। अब मैं इस पार्ट पर काम करूँगा। तो अब यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके चलता हूँ इफेक्ट्स कंट्रोल में। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके सारे इफेक्ट्स कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ब्लर का कोई ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ब्लर का ऑप्शन ऐड करने के लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है यहाँ पर इफेक्ट्स में और यहाँ पर सर्च करना है फास्ट ब्लर। तो ये फास्ट ब्लर का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, उसको सिंपली यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए इस पार्ट पे जिस पर्टिकुलर पार्ट में आपको ब्लर इफेक्ट चाहिए। तो जैसे ही आप ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक फास्ट ब्लर का जो ऑप्शन है वो ऐड हो चुका है। और यहाँ पर भी आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक तो सर्कल का ऑप्शन है, अगर आप सर्कल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सर्कल आ चुका है यहाँ पर। आप इस पर्टिकुलर सर्कल को ब्लर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं पर्टिकुलर सर्कल में ही ब्लर हो रहा है। लेकिन अगर आपको सर्कल में ब्लर नहीं करना तो आपके पास यहाँ पर बॉक्स का भी ऑप्शन है। अगर आपको किसी लोगो को या कोई ऐसी चीज़ है जो बॉक्स के अंदर है उसे ब्लर करना है किसी वीडियो में, तो आप इस बॉक्स का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बॉक्स भी नहीं चाहिए तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है फ्री ड्रो का। तो आप फ्री ड्रो को चूज़ करके, जैसे कि मुझे अपने इस चेहरे का पर्टिकुलर इस पार्ट को जो है वो, इसको थोड़ा पीछे कर लेता हूँ वीडियो को जहाँ पर मेरे हाथ नहीं लगे हुए हैं तो मैं ज़्यादा क्लियरली देख पाऊँगा। देख सकते हैं आप सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर भी आप इसको सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस चीज़ को भी आपको ब्लर करना है वो आप इस तरीके से इस फ्री जो ड्रॉ का ऑप्शन है उसमें आप ला सकते हैं और उसको पर्टिकुलर पार्ट को आप ब्लर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पर्टिकुलर मेरा चेहरा है वही जो है ब्लर हो रहा है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो मेरा चेहरा है वो एक जगह नहीं है इस टाइम पे, थोड़ा मूव कर रहा है। तो वो किस तरीके से हमें यहाँ पर
डिटेक्ट करना है, तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपली जहाँ से आपने ये इफेक्ट डाला है यहाँ पर इसको लेके आइए, और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ जहाँ पर बिल्कुल मेरा फेस इसके अंदर आए, और आप यहाँ पर देख सकते हैं मास्क पाथ। मास्क पाथ यानी कि जो आपने ये मास्क बनाया है इसका पाथ ये डिटेक्ट करेगा हर एक फ्रेम के साथ। तो आपको सिंपली ये वीडियो चला देनी है। आप देख सकते हैं कि ये जो जैसे जैसे चेहरा हिल रहा है वो मास्क भी यहाँ पर हिल रहा है। 100% परफेक्ट नहीं होता लेकिन नियर टू परफेक्ट होता है। आप देखते रहिए कि अगर आपको लगे कि ये जो मास्क है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है तो आप वहाँ पर इसे स्टॉप कर सकते हैं, और तो जहाँ आपको लगे कि जो आपका मास्क है वो इधर उधर जा रहा है आपके ऑब्जेक्ट से तो वहाँ पर आप इसे स्टॉप कर दीजिए और फिर दोबारा से उसको उसी ऑब्जेक्ट पे लाइए और फिर से स्टार्ट कर दीजिए। तो ये दोबारा से वहीं से प्रोसेसिंग शुरू कर देगा और डिटेक्ट करना शुरू करेगा उस ऑब्जेक्ट को। तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए मैंने जो ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं रखा है जिसको ब्लर करना है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा काम ये करता है कि जहाँ जहाँ आपका ऑब्जेक्ट मूव होता है, चाहे वो आपका चेहरा हो या कोई और ऑब्जेक्ट हो, कोई पर्टिकुलर वर्ड हो जो इधर उधर हो रहा हो, या कुछ भी चीज़ हो जो मूवेबल ऑब्जेक्ट है, वो इसको अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर लेता है। इसकी इंटेलिजेंसी नियर टू परफेक्ट है। देखो इंटेलिजेंसी जो है इसकी वो कंप्यूटर है भाई, बिल्कुल परफेक्टली तो आपको डिटेक्ट कर नहीं सकता, लेकिन थोड़ी बहुत तो जो कमी है आप सुधार सकते हैं, लेकिन जो ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है वो नियर टू परफेक्ट है। अब आप देख सकते हैं कि हिला के कि हाँ ये जितना भी टाइम रहा है मेरे चेहरे पर ही रहा है, और अब आप यहाँ पर इसका जो ब्लर है वो बढ़ा सकते हैं, जो इस मास्क के अंदर का पोर्शन होगा वो ब्लर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आई थिंक इतना बहुत है, इतने में दिखाई नहीं दे रहा। तो अब आप देख सकते हैं, हम इसको दोबारा से रन करके देखते हैं वीडियो को, तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली मेरा चेहरा जो है वो ब्लर हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी अपनी वीडियो में किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लर कर सकते हैं सिंपली फास्ट ब्लर का यूज़ करके। आई होप कि आपको ये तरीका समझ आ गया होगा और आप अब अपनी वीडियो में ये इफ़ेक्ट जो है वो यूज़ कर पाएंगे। तो अगर भाई वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो साइड में बेल आइकन है उसे दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई अपनी नई वीडियो डालूं तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन चली जाए और आप देख पाए उस वीडियो को सबसे पहले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।